मैं तृप्ति, मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर। आज मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पे आपसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही कुछ स्टूडेंट्स के पास गया था जो कि इस साल नीट एग्जाम्स दे रहे हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझे लेकर, जैसे कि कोई पूछ रहा है कि अगर मैं 12 घंटा पढ़ूं तो क्या मैं नीट एग्जाम पास कर लूंगा सर, अगर मैं 16 घंटा पढ़ता हूं तो क्या मेरा हो जाएगा, अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर लूं तो क्या वो अच्छा रहेगा, या आप कुछ बुक बताइए सर कि मैं जो बुक रेफरेंस में बताइए जो मैं पढ़ूं, क्या वो मुझे हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए नीट एग्जाम को लेके, उस टॉपिक पे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए अपने एग्जाम्स को लेके। आज हम लोगों को पता है इस साल टोटल 15,93,452 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और जो टोटल सीट से है वो है अराउंड 76,928। पहली बात ये आता है, आप अपने से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपका नाम उस 76,928 सीट्स में क्यों होना चाहिए। आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो और आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ। हम लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं, हम लोग को जो भी करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर करना है, लेकिन आज हम लोग सबको ही अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब कहीं भागा जा रहा है, ना फेसबुक कहीं भागा जा रहा है और ना इंस्टाग्राम। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अपने प्लानिंग पे करना चाहते हो, अपने स्टडीज पे करना चाहते हो, या फेसबुक ये सब सोशल जो भी मीडिया है आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक कंपटीशन एग्जाम है, उसके लिए कुछ भी एनर्ज नहीं होता। आप जो भी करोगे आपको लगेगा कि आप कम कर रहे हो। वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। सबसे पहले आपको कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट बनोगे, और आप जितना परफेक्ट बनोगे आपको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, हम लोग एग्जाम से डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये बंदा तो इतना पढ़ रहा है तो अब मेरे को भी पढ़ना चाहिए। बट ये सब आपको देखना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपने स्ट्रेंथ को जानो कि आप क्या कर सकते हो, अपने वीकनेसेस पर काम करो कि आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलोगे। और आपको पॉजिटिव रहना है कि भैया दूसरे क्या करें मुझे नहीं देखना, मुझे अपना देखना है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकता हूँ। आपको पूरा नॉलेज है कि आपको क्या करना है, आपको सिलेबस पता है, आपको अपने टेस्ट पेपर्स पते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये करने से अच्छा होगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप दूसरे को देखना बंद करिए जिससे आप डीमोटिवेट होते हैं। आप वो चीज़ में फोकस करो जो आपको पॉजिटिव करेगा, जो आपको और आगे लेके जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। दूसरे क्या कर रहे हैं आपको नहीं देखना, आपके लिए आपका सोच इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने से बेटर कोई भी नहीं जानता। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस भी क्या है, अपने स्ट्रेंथ पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि वो परफेक्ट हो। अपने वीकनेसेस पे सोचो, उस पे काम करो, उसको और यूटिलाइज करो, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप लाइफ की नीट एग्जाम्स क्या, आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। कि अगर आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको सब आंसर्स आते हुए भी आप डगमगा जाओगे, आप क्वेश्चन पेपर्स ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, और वो कि नेगेटिव मार्किंग में आता है और आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको हटाओ, ये टाइम अपने पॉजिटिव चीज में यूटिलाइज करिए। बी कॉन्फिडेंस गाइस और गिव योर 100%, एंड फिर देखा जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस है आप में कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, आप जरूर करोगे। बस अपने पॉजिटिव चीज पे फोकस करो, ना कि नेगेटिव पे। सो बेस्ट ऑफ लक, अपने टाइम को यूटिलाइज करो और अपने आप पे फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो जो कि आपको और आगे लेके जाएगा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सब मुमकिन है, कोशिश तो करें।